डीटीसी और क्लस्टर बसों के कंडक्टरों के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने एक शानदार तोहफा दिया है। इस तोहफे से अब डीटीसी और क्लस्टर बसों के कंडक्टरों को अपने टेम्परेरी और परमानेंट लाइसेंस को इश्यू करवाने और रिन्यू करवाने की सभी दिक्कतों का अंत हो जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग के नए ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली के सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों के कंडक्टर अपने कंडक्टर लाइसेंस की समस्याओं के लिए डीटीसी के ही चारों आरएम ऑफिसों यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में जाकर कंडक्टर लाइसेंस संबंधित हर समस्या का हल पा सकते हैं। यानी अब डीटीसी व क्लस्टर बसों के कंडक्टरों को परिवहन अथॉरिटी में जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग के इस तोहफे के बाद दिल्ली परिवहन मजदूर संघ डीपीएमएस के महामंत्री कैलाश चंद मलिक ने इस कार्य के लिए दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और विशेष आयुक्त के दहिया का आभार व्यक्त किया। मलिक ने कहा, इससे कंडक्टरों को बहुत राहत मिलेगी, ये अच्छी पहल है। इसके लिए डीपीएमएस परिवहन आयुक्त और विशेष आयुक्त का हृदय से धन्यवाद करता है। वहीं टोलवा के अध्यक्ष संजय भाटला ने भी इस कार्य के लिए परिवहन आयुक्त और विशेष आयुक्त की जमकर तारीफ की। भाटला ने कहा, यह फेस फ्री ट्रांसपोर्ट का सबसे शानदार शुरुआत है। अब कंडक्टरों को अथॉरिटी में नहीं जाना पड़ेगा और वे अपने ही आरएम ऑफिस में कंडक्टर लाइसेंस संबंधित कार्य करवा सकेंगे। निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य है और जहां अब तक ऑटो रिक्शा चालक परिवहन विभाग की तारीफें कर रहे थे, अब डीटीसी और क्लस्टर के कंडक्टर भी इसी श्रेणी में आ गए हैं। न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।